स्थानीय लोकमाने टायार जाली रास्ता अवरोध करिथिले फळरे किछि समय पई 16 नंबर जातीय राजपथरे यातायात बाधाप्राप्त होइथिला। पुलिस कमिश्नरक बुझिसुझा करबा परे रास्ता अवरोध प्रत्याहृत होइछि। गतकाली राति रे तृप्ति होटल मालिक बुलु सामंतराय घर को फेरुथिबा समय रे तांको परे मणातक आक्रमण करा जाइथिला। रसूलगढ़ पालामंडप छक रे दुर्बृत्त माने सुना चेन लुटि नैथिले। सेपरी जगन्नाथ सड़क रे थिबा एक गाड़ी शोरूम्रु मध्य लुट होइछि। लुटेरांको आक्रमण रे महिमा मोटर्स मालिक एवं दुई जन ग्राहक आहत होछन्ति। गाड़ी किणबाको आसीथिबा बिक्की शर्मा एवं अशिम पालक ठारु 2 लाख टंका लुटि नैछन्ति लुटेरा। लुट घटना रे 5 जन लुटेरा शामिल थिले। क्रमागत द्वितीय दिन रे 4टी लुटपाट करी पुलिस को खोला चैलेंज करिछन्ति दुर्बृत्त। पुलिस यदि ठीक पुलिस रवि जल्दी पुलिस रे यदि हात न थांदा आज गोने नागरिक ते रास्ता रे ठीक भाबरे चली परुन आ एते परिमाण हेलाण भी भ्यानेट भी सुरक्षित नुह। आमर गोने सियारमिंद स्कूल रे टीचर ता भौणी भ्यानेट पके जाउथला रास्ता रे भिड़ देले से मुंडा कोमा वर्तमान आइसु भीते एति के पुलिस मानो दाबी कराउ छी ब्राउन सुगर ता बंद करंदु। ब्राउन सुगर पार्टी जति को अछंदी सब सब जागो बंद करंदु। आम लोकल भीतर आमुको हानु छंदी गां भीतर पसि गाणु छंदी आ बाहर लोक को कोन सुरक्षा पुलिस माने देबे सेही जोग रास्ता रोक न राति रे काली जेतो बेले आमर गां लोक को गां भीतर जदि हानि देले ताहले आमे कोन सुरक्षित समय भी अधिक होइनी राति 12टा रु 12:30टा भीतर से दुर्बृत्त माने आसी टोटाली माने मरणात्मक हानि की जाइछन से भी मेडिकल ले पड़ी छथि देखिबे आपण से किंतु कोन करा जइयो ये जतिको सब निशा खाई राति रे बुलु छथि। आम पुलिस कोन संध्या बेलु केवल ट्राफिक टिकी देखि देला हेलमेट देखि देला किंतु राति रे जते जते सब आतंकवादी बुलु छथि ताकु के आमे आजि अपराह्न 4टा बेले गोटे मीटिंग रखिछु आमर थाना अंडर जो युवक संघ माने अछंती विभिन्न एरिया रो बंचेश्वर एरिया रो जो माने इठिकार जो प्रकार असामाजिक कार्यकलाप होउची तथा ड्रग्स कारबार होउची से माने मध्य इनफॉर्मेशन देबे एवं से माने मध्य से प्रकार जो माने लोक करूचन तांकू चिन्ही देबे एवं तांकू आमे प्रतिश्रुति दोउचू जे ए जागारु संपूर्ण भावरे ड्रग कारबार आकु मुक्त करि परिबो। जो अभियुक्त ये घटना करिसंती तांकू जेते शीघ्र संभव स्पेशल स्क्वाड जरिया रे आमे ऑलरेडी काम करबा आरंभ करूनी आमे निश्चित भावरे धरिबु। जनसाधारणकर लोकल पुलिस ऊपर आस्था बढ़िया पई जहा प्रकार करबा कथा आज ठारु आमे आरंभ करिबु। ब्रह्मपुर दिन दीपहर रे डकाती उद्यम इंजीनियरिंग स्कूल रोड रे डकाती उद्यम होछि। स्वर्ण ऋण संस्था IIFL रे बंदूक देखाई डकाती उद्यम करा जायछि। डकातंक आक्रमण रे संस्थार 3 जण कर्मचारी आहत होछन्ती। एबे IIFL संस्था रे बैद्यनाथपुर पुलिस पहुंचि तदंत आरंभ करिछि। जातीय मेडिकल बिल को विरोध विरोध करिछि भारतीय डाक्तरी संघ। उत्तर प्रदेश केरल भली राज्य रे एहर प्रभाव पड़िछि। तबे दिल्ली रे एम समेत अन्य स्थान रे डाक्तर माने कालेठो कार्य बंद करिवे किंतु ओडिसा रे भारतीय डाक्तरी संघ एहि विरोध रे शामिल होइथिले मध्य रोगी सेवा क्षेत्र रे एहर कोनोसे प्रकार प्रभाव पड़ि नाही। विशेष करी कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज एवं पुल्ला मेडिकल कॉलेज सहित राजधानी रे मध्य एहर कोनोसे प्रभाव पड़ि नथिबा लक्ष्य करा जायछि। जातीय मेडिकल कमिशन बिल को विरोध करी संघ पक्षरु 24 घंटिया आंदोलन डाकरा दिया जायथिला। ओमसार जो मीटिंग माने स्ट्राइक चलिए आम सपोर्ट करूचु किंतु आम रोगी सेवा व्याहत होगापी चाहूना रोगी मैंने समस्ते सेवा पातु किंतु आम सपोर्ट कर रोगी सेवा स्वाभाविक। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आह्वान क्रमे आज दिया सर्वभारतीय आंदोलन प्रभाव ब्रह्मपुर देखा मिली ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रो एही बिल को नहीं आईएमए विरोध करी एही बंद डाकरा दिया जाइछि। ब्रह्मपुर शाखा जदियो आंदोलन को समर्थन करुछि तेबे चिकित्सा कौनसी प्रकार बाधा सृष्टि करिनाहंती फलरे सहरर सिटी हॉस्पिटल और एमकेसीजी मेडिकल चिकित्सा सेवा स्वाभाविक रही। पूर्व जदियो जरूरीकालीन चिकित्सा को आंदोलन बाद दिया जाइथिला तथापि ब्रह्मपुर आंदोलन कौनसी प्रकार प्रभाव परिलक्षित होइनाही एवं उभय हॉस्पिटल ले समस्त विभाग रे डाक्टर माने रोगी सेवा रे नियोजित थिबार देखिबा को मिलिछि। सिविल जोटा पास हेछि ता अगेंस्ट रे
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଏମ୍ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି କି କିଛି ମିଟିଂ ବି ହେଇନଥିଲା, ତ ଆଜି ଆମର ଆଉଟଡୋର୍ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ପୁଲିସ ସେହି ମାଓବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ମାଓବାଦୀ ହେଲେ ବରାଖୋଜ ଗାଁର ମଙ୍ଗୁ ମାଝି। ମଙ୍ଗୁଙ୍କଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜିଲୋଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଡିଟୋନେଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 45 ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି। Five numbers of electric detonator, 95 meters electric wire, 45 numbers of leaflets of CPI Maoists. ଏଟା ଆମେ ତା ବଡି ଓ ପର୍ସନକୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଅଗଷ୍ଟ 4 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଭାବରେ 2 ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। 4 ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗଷ୍ଟ 3 ଏବଂ 4 ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 31 ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରିନି। ତେବେ 4 ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 2 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 48 ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 2 ରେନ୍ଫଲ୍ ବଢ଼ିବ, କାରଣ 4 ଦିନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, ଏବଂ 4 ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ହେବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଯାହାର କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ 2-3 ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଆମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ତା ସହିତ ଆମର ଏପଟେ ନର୍ଥରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବରଗଡ଼। ମାଲକାନଗିରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ।